बी के नाइन न्यूज बीदर बसो कल्याण। जैसा कि कल बसो कल्याण तालुके के बसो कल्याण शहर में ईश्वर नगर अल्लाह नगर में जो दो पार्टी के बीच जो झगड़ा हो गया जो जमीन के वास्ते, उस विषय में हमारे बी के नाइन न्यूज के जरिए डी वाई एस पी साहब हुमनाबाद सोमलिंग कुंभार जी साहब जी ने वो माहिती दी है। बी के नाइन न्यूज मीडिया बीदर बसव कल्याण साहब जी नमस्ते। नमस्ते। अभी हमारे बीके नाइन न्यूज से लाइव आ रहे मान्य श्री सोमलिंग कुमार डीवाईएसपी हुन्नाबाद। जैसे कि साहब आप बसो कल्याण विजिट कर रहे थे, ईश्वर नगर में चार आदमी के जो मकान गिर गए सर जेसीबी से, उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय रहेगा सर? देखिए वो लोग जो है सेवक करके एक कंप्लेंट दिया हमको, जैसे कि उनका जो भी जो उनका जो तकरीबन उस एरिया में उनका 25 घर है, उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो सीएमसीए तरफ से उनको कागज कार्रवाई मतलब कागज दिया करके जो हक पत्र दिया करके उनका दावा है जी, जो 25 आदमी का जो मकान है जी, लेकिन पक्का घर नहीं बनाए, लेकिन जो टिन शीट का जो तगड़ का टिन शीट का घर बना के वो लोग रह रहे हैं जी। ये कुछ उनका बगल में कुछ आदमी ने वो हमारा जगह वतवर किया या एनक्रोचमेंट किया करके उनको दावा था जी, उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट भी दिया है, हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि वो चेक करने से पहले उनको सीएमसी से जो उनका जगह का नापना होना चाहिए, हदबस्त करना चाहिए जी, चकबंद में क्या है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है चकबंद के अनुसार वो काम करना करके उसको वो सर्वे डिपार्टमेंट से सर्वे करके वो हरकत करना चाहिए था, वो पहली बात वो नहीं किया जी। और जो भी ग्रहण है तो संबंध जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो सीएमसी का अफसर है जी या पुलिस अफसर से उनको कोई उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। जैसे एफ आई आर हो गए सर? हाँ एफआईआर तो हो चुका है, जो जो सेवक करके उनका जो भी जो मकान तो तीन गिरा हुआ है उनका, उनमें से एक आदमी सेवक करके है जी, वो क्या क्या वो कंप्लेंट दिया है जी, उसी बसवकरण के तीन लोगों को एफआईआर हो चुका है और तीनों आदमी को हम अरेस्ट करके जेसी को दिया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी बीके नाइन न्यूज से माननीय श्री डीवाईएसपी साहब जी ने अपनी बातचीत की सर, थैंक यू, वेलकम सर। ओके थैंक यू। इसी तरह के नए न्यूज देखने के लिए हमारे बीके नाइन न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।